केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने तकनीक के दौर में स्मार्ट वर्क करते हुए और स्मार्ट सोच दिखाते हुए पिछले साल गूगल ऐड पर करीब 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2023 में देश भर के कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में बीजेपी ने गूगल ऐड के जरिए विज्ञापन प्रसारित कराए थे। गूगल ऐड पर खर्च करने के मामले में बीजेपी सभी राजनीतिक दलों में सबसे आगे रही है। इस मामले में कांग्रेस बहुत पीछे रही है। गूगल ऐड पारदर्शिता डेटा से पता चलता है कि बीजेपी ने 2023 में लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी का विज्ञापन और उस वर्ष के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले विज्ञापन भी दिखाए गए थे। ये सभी विज्ञापन यूट्यूब के जरिए दिखाए गए, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी का गूगल ऐड पर खर्च उसी अनुपात में बढ़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने गूगल ऐड पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बीजेपी ने पिछले साल अधिकांश गूगल ऐड विधानसभा चुनावों के लिए जारी किए थे। इसमें कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा खर्च किए गए थे, लेकिन वहां पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ सकी। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव से जुड़े गूगल विज्ञापनों पर 7.2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गूगल ऐड पर 7.71 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उधर तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस ने सबसे ज्यादा 12.01 करोड़ रुपए के विज्ञापन जारी किए, जो साल भर में कुल गूगल ऐड जारी करने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। कांग्रेस ने गूगल ऐड्स पर सिर्फ 4.59 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें भी अधिकांश पैसा कर्नाटक चुनाव के दौरान खर्च किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने गूगल विज्ञापनों पर बहुत ही मामूली राशि खर्च की।